देखो एक बात साफ है हरियाणा में, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। ये बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही, ईब के एक भी वोट व्यर्थ नहीं करनी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता तय करेगी कि अगले 5 साल हरियाणा में कौन। हरियाणा की जनता 5 अक्टूबर को ये तय कर देगी कि अगला 5 साल का मुखिया कौन हरियाणा का। हालांकि जनता तो अपने वोट से तय करेगी, नेता तो तय पार्टियों के आला कमान और विधायक करते हैं, लेकिन ये जरूर फाइनल हो जाएगा कि जनता के मन में क्या था और उन्होंने अपने मन से क्या निकाला। राजनीति के अंदर दोस्तों एक जुगाड़ नाम का शब्द बहुत चलता है, सेटिंग जिसे कहते हैं, और वो जुगाड़ ये होता है कि कई बार तो जुगाड़ होता है अपने आदमियों को जिताने का, और कई बार ये होता है कि अपने आदमी को हरवा करके दूसरे को जिताने का। इसे राजनीति का जुगाड़ कहा जाता है, और राजनीति के अंदर इसको आप जुगाड़ कह लें, जुगाड़ तो देसी शब्द हो गया, इसको सेटिंग या सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस समय तमाम राजनीतिक दलों की टिकटों वितरण का कार्य बहुत जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी अपने 87 कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है, 3 कैंडिडेट की लिस्ट उनकी आनी बाकी है, कभी भी आ सकती है। कांग्रेस पार्टी 41 कैंडिडेट मैदान में ला चुकी है, 41 लड़ाके उनके सामने आ चुके हैं, 49 कभी भी आ सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां भी और उनके गठबंधन भी अपने कैंडिडेट्स की सूची लगातार दे रहे हैं। और जब राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं तो फिर पॉलिटिकल एनालाइज करने वाले लोग सोचते हैं कि आखिर यहां क्या हुआ होगा। और मैं आपसे हरियाणा की 2 विधानसभा सीटों को खासकर लेकर चर्चा में हूं। हालांकि सीटें कई हैं और क्रमवार आपसे बात किया करेंगे, लेकिन जिन 2 विधानसभा सीटों को लेकर आपसे मैं चर्चा में हूं, उन दोनों विधानसभा सीटों पर दोनों राजनीतिक दलों के मुखिया, यानी कि जिन पर दारोमदार है, वो चुनाव मैदान में हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कुरुक्षेत्र लोकसभा की लाडवा विधानसभा सीट की, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। और दूसरी विधानसभा सीट है एलनाबाद, सिरसा लोकसभा की एलनाबाद विधानसभा सीट, जहां के विधायक आजकल अभय सिंह चौटाला हैं, और अभय सिंह चौटाला अपने गठबंधन के, इनेलो बसपा गठबंधन के घोषित मुखिया हैं, कि अगर इनेलो बसपा गठबंधन की कहीं कोई बात बनी तो फिर बड़ा चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा अभय सिंह चौटाला होंगे। और जो मैं आपसे बता रहा था कि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, वो चर्चा है सेटलमेंट की। राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक एनालाइज करने वाले लोग चर्चा कर रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर कोई सेटिंग है। अगर सेटिंग है तो मैंने आपको नाम बता दिए कि 2 बड़े नेता आपसे क्रमवार चर्चा करते हैं कि एलनाबाद में क्या हो रहा है कैंडिडेट्स के मायने में, और दूसरी सीट लाडवा में क्या हो रहा है। एलनाबाद के अंदर अभय सिंह चौटाला इनेलो और बसपा गठबंधन के कैंडिडेट हैं। 2019 के चुनाव में भी एलनाबाद से जीते थे, किसान आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया था, विधानसभा से इस्तीफा देकर उपचुनाव हुआ था, और उपचुनाव के अंदर अभय सिंह चौटाला फिर से चुनाव जीते थे। मुकाबला हुआ था उस चुनाव के अंदर गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा से, और गोविंद कांडा के सारथी थे उस चुनाव के अंदर कप्तान मीनू बेनीवाल। राजनीति का बड़ा नाम है, कभी वो इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं और उसके बाद जजपा के नेताओं अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इनके बड़े बगलगीर हुआ करते थे। जो गठबंधन हुआ था हरियाणा के अंदर जेजेपी बीजेपी का, मानी जाती थी भूमिका उसके अंदर भी कप्तान की। बड़ी चर्चाएं थी कि कैप्टन को टिकट मिलेगा एलनाबाद का। कप्तान के समर्थक सोशल मीडिया पर तमाम उनकी पोस्ट आप देख सकते हैं, कप्तान के नाम से आपको सोशल मीडिया, फेसबुक पर कई पेज मिल जाएंगे। चर्चा होती थी कि मीनू बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा। मीनू बेनीवाल का ऑरा भी इतना बड़ा दिखाया जाता था भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि चाहे वो मनोहर लाल हो या नायब सिंह सैनी हो। इतना ही नहीं, जो ऊपर वाली जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके अंदर एचएम साहब बैठते हैं, अमित शाह साहब बैठते हैं, भाजपा के चाणक्य,
चाहे वो फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरे, बड़ी चर्चाएं होती थी कि कप्तान की पकड़ सब जगह है, कप्तान मीनू बेनीवाल। मैंने भी आपको जब वीडियो शेयर किया था संभावित प्रत्याशियों का, तो हमने भी आपको एलनाबाद का मीनू बेनीवाल बताया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का पिटारा खुला, जब दूसरी लिस्ट आई उनकी, और उस लिस्ट के अंदर एलनाबाद से नाम आया अमीर मेहता का, राजनीति के अंदर रुचि रखने वाले लोगों की भ्रुकुटी तन गई थी। चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्यों, अगर कप्तान मीनू बेनीवाल जैसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास था जिसको मजबूत माना जा रहा था। और मैंने आपको अपने एक वीडियो में और भी बताया था पहले भी कि संभवतः एलनाबाद के अंदर कोई खेल हो सकता है, कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पर बेनीवाल साहब होंगे लगभग तय है। और इधर जो दूसरा काम हुआ, गोविंद कांडा को टिकट नहीं दिया गया, मीनू बेनीवाल को नहीं दिया गया। और जब मीनू बेनीवाल का टिकट कटता है तो फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ती है कि कोई सेटलमेंट तो नहीं, कोई सेटिंग तो नहीं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जरूरी है, अभय सिंह चौटाला का विधानसभा में पहुंचना जरूरी है, और अभय सिंह चौटाला हरियाणा के अंदर घूम सकें इसके लिए जरूरी है कि वो एलनाबाद के अंदर बंधकर ना रह जाएं। और अगर मुकाबला कड़ा होगा तो फिर अभय सिंह चौटाला क्या पूरे हरियाणा में घूम पाएंगे? ये सबके अपने कयास हो सकते हैं। हमारा भी कयास है कि अगर कहीं भी मुकाबला कड़ा हो जाता है मुख्यमंत्री कैंडिडेट का, तो फिर उसको अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकलने में उनको दिक्कत आती है। राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा थी, राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा चला करती थी कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं तो फिर कैसा होगा। मीनू बेनीवाल का नाम उस सूची में नहीं आया और वहां पर अब लोग कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला को एज दे दिया गया है। अभय सिंह चौटाला वहां पर चुनाव मैदान में इस समय मजबूत कैंडिडेट के तौर पर बिल्कुल सामने होंगे। हालांकि मजबूती में उनकी हमें कोई शक पहले भी नहीं था, लेकिन अगर सामने मजबूत कैंडिडेट होता है तो फिर चुनाव, जब फंसा हुआ चुनाव जिसे कहा जाता है या कांटे की संघर्ष कहा जाता है, उस मायने से चुनाव के मायने बदल जाते हैं। तो ये बात तो थी एलनाबाद की, जहां पर की चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी से मीनू बेनीवाल होंगे, लेकिन मीनू बेनीवाल कैंडिडेट नहीं हुए। और इस बात से विपक्षी दलों के नेताओं को भी और मीडिया पर बात करने वाले लोग, चाहे वो हम हैं चाहे कोई और है, उनको भी मौका मिला अपनी बात रखने का या बताने का। और एलनाबाद से मीनू बेनीवाल का नाम ना आने के बाद में अभय सिंह चौटाला के साथ किसी प्रकार की भी जो बातें थी, चर्चाएं थी, वो चर्चाएं और ज़्यादा जोर पकड़ने लगी। और अब मैं आपसे बात कर लेता हूं लाडवा विधानसभा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे करनाल से। आपको ध्यान होगा उनका वो रोड शो, जब वो रोड शो करने गए थे और करनाल में उन्होंने कहा था कि सीएम सिटी रहेगी। विरोधाभास था भारतीय जनता पार्टी में। पंडित मोहनलाल बडोली जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा की विधानसभा सीट है लाडवा। मैं आपको नायब सिंह सैनी जी के बारे में बताता चलूं कि नायब सिंह सैनी 2014 का विधानसभा चुनाव लड़े थे नारायणगढ़ से, अंबाला लोकसभा की सीट और नारायणगढ़ से वो चुनाव जीत गए थे। 2019 के चुनाव से पहले ही, क्योंकि वो विधायक के बाद वो सांसद बनने के लिए उनका नंबर लग गया था और उनको टिकट मिला था लोकसभा का 2019 में, कुरुक्षेत्र के सांसद हो गए थे नायब सिंह सैनी। 5 साल का टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ था नारायणगढ़ का उनका। नारायणगढ़ विधानसभा से 2019 का जो चुनाव हुआ था उसको भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और कांग्रेस की शैली चौधरी चुनाव जीत गई थी। नारायणगढ़ के लिए एक बात और कही जाती थी, नायब सिंह सैनी के भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने से पहले जिला परिषद का चुनाव हुआ था, और जिला परिषद के चुनाव में नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी चुनाव मैदान में थी और वो जिला परिषद का चुनाव हार गई थी, इसलिए नारायणगढ़ सीट को सेफ नहीं माना जा रहा था। करनाल लड़ना चाहते थे नायब सिंह सैनी। इधर मोहनलाल बडोली जी ने बीच में अपनी भांजी लगा दी कि उनको तो लाडवा जाना पड़ेगा। लाडवा विधानसभा सीट जो है उस पर सैनी मतदाता बड़ी संख्या में हैं। आजकल वहां से विधायक हैं मेवा सिंह। इससे पिछले चुनाव में 2019 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाकर भेजा था डॉक्टर पवन सैनी को। डॉक्टर पवन सैनी लाडवा से चुनाव हार गए थे। अब नायब सिंह सैनी को भेजा गया लाडवा में चुनाव लड़ने के लिए। शेर सिंह बरसामी चौटाला परिवार के, चौधरी देवीलाल परिवार के बहुत नज़दीक माने जाते हैं। शिक्षक भर्ती मामले के अंदर जो सजा हुई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को, उसमें सजा शेर सिंह बरसामी को भी हुई थी।
शेर सिंह बड़शामी बड़े नजदीकी माने जाते रहे हैं। शेर सिंह बड़शामी इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, संभवतः विधायक भी बने थे। एक चुनाव उनके परिवार से भी टिकट दिया गया था, उसके बाद से इंडियन नेशनल लोकदल का जो वर्चस्व था वो कम हो गया था। तो लाडवा विधानसभा से 2019 में मेवा सिंह चुनाव जीत गए थे, पवन सैनी चुनाव हार गए थे। और मैं आपको जो बता रहा था कि इस चुनाव के लिए शेर सिंह बड़शामी को इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया है। लाडवा विधानसभा के अंदर सैनी मतदाता बड़ी संख्या में है, ब्राह्मण मतदाताओं का भी रुझान है, और लाडवा विधानसभा में जाट मतदाता भी बड़ी संख्या में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ी है कि शेर सिंह बड़शामी जो कैंडिडेट बनाए गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, भले ही किस समय मजबूत रहे थे, लेकिन इस समय जो उनको टिकट दिया गया है यहां भी सेटलमेंट है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि शेर सिंह बड़शामी को टिकट देने के बाद में नायब सिंह सैनी को रास्ता खुला किया गया है, साफ किया गया है, क्योंकि जाट मतदाता कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल इन दो पार्टियों में बढ़ सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आप लगातार बयान सुन सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी कह रहे थे, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान को सुन लीजिए जिसमें वो वोट कटवा की बात कर रहे थे। देखो, एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। ये बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही। ईब का एक भी वोट व्यर्थ नहीं करनी, एक भी वोट काटू दे दी तो नुकसान किसका होगा? फिर वही साजिश रची जा रही है। पहला एक था, अब दूसरा मिल रहा है बीजेपी की बी टीम में, और बीजेपी उनके कैसे से टिकट दे रही है, तो इन वोट काटो से बच लियो भाई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान को लेकर के और लाडवा में शेर सिंह बड़शामी के जाने को लेकर के और जो बात चल रही है इनेलो और बीजेपी के अंदर किसी भी प्रकार की सेटिंग की, जिसको कि विपक्ष के नेता भी गाते हैं, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, और इस सब को लेकर के राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं हैं। और ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि राजनीति के अंदर जो सेटिंग होती है, सेटलमेंट होती है, चाहे वो शतरंज का खेल हो और चाहे वो राजनीति का खेल हो, राजा को चेक ऑन करने के लिए अपने प्यादे को, अपने सैनिक को शहीद कर दिया जाता है। आप हमारी इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।